हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश भी हूँ। तो आप जानना चाहोगे कि मैं क्यों खुश हूँ। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरे 5K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 5000 सब्सक्राइबर्स। मुझे पता है कि अभी ये बहुत कम है, बट मुझे आप लोगों का साथ चाहिए और 5K को एक दिन 50K बनाना है और फिर 100K बनाना है, तभी सिल्वर प्ले बटन मिलेगा। तो आप लोगों का मेरे को साथ चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए मेरे को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। बाकी आज जो वीडियो हम बना रहे हैं वो शोल्डर के ऊपर बना रहे हैं। जो शोल्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। तो शोल्डर को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक फ्रंट में, एक अपना लेटरल में और एक रियर में। 3 तरह के डेल्ट्स होते हैं शोल्डर में, तो इन्हीं को ट्रेन करके एक प्रॉपर शोल्डर बनाया जाता है। और शोल्डर की एक बहुत इंपॉर्टेंस है, अगर आपने कुछ टी शर्ट्स पहनी है, कुछ शर्ट्स पहनी है, उसमें लुकिंग अच्छी आनी है, उसके लिए शोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका छोटा भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका बेटा हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो दोस्तों एक्साइटमेंट अपनी जगह, आप शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले शोल्डर में हम लोग ना 3 या 4 एक्सरसाइज ही लेंगे और वो मोस्टली पॉसिबल कि ठीक है एक्सरसाइज और काफ़ी है शोल्डर के लिए। तो सबसे पहले हम लोग डंबल प्रेस लेंगे। तो ये डंबल प्रेस हम लोग बैठ के भी ले सकते हैं, खड़े होकर भी ले सकते हैं और ज़्यादातर लोग बारबेल के साथ भी लेते हैं बारबेल प्रेस। तो तीनों का काम एक ही है। तो हम अभी शोल्डर को डंबल प्रेस लेंगे, बैठ के लेंगे, आप खड़े होकर जैसा आपको ठीक लगे, जिसमें आपको सहूलियत हो आप वो ले सकते हैं। आप पोस्चर देख लीजिएगा किस तरह का रखना है। ये आपको हाथ ना थोड़े से आगे करके रखने हैं, ज्यादा पीछे करके नहीं, नहीं तो पीछे भी हो जाता है इंसान। तो थोड़ा सा आगे करके रखने हैं। तो ये एक्सरसाइज आपने देखी, शोल्डर डंबल प्रेस की एक्सरसाइज थी। इसमें आपको 3 सेट्स लेने हैं और मैं जैसा करता हूँ 14 रिपीटेशन में ईच सेट्स में लेता हूँ। तो 14 रिपीटेशन लेने हैं। आप लोग जो वेट लेंगे वो अपने अकॉर्डिंग, अपने जिस तरह से आप उठा सकते हैं, जितना वेट इजीली उठा सकते हैं वो उस अकॉर्डिंग आप लेंगे। और 14 रिपीटेशन का सेट रखना है। फ्रंट बेल्ट में क्या होता है कि फ्रंट बेल्ट आपका जितनी भी पुश वाली एक्सरसाइजेज होती है ना, उसमें वैसे ही ट्रेन होता रहता है। तो फ्रंट बेल्ट की एक्सरसाइज अगर आप नहीं भी करेंगे या कम करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि फ्रंट बेल्ट जब भी आप पुशअप्स करते हैं या चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं, बैक की एक्सरसाइज करते हैं, तो फ्रंट बेल्ट हमेशा ट्रेंड होता रहता है अपने आप। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि फ्रंट बेल्ट की एक्सरसाइज आप ठीक से करें और अच्छे से करें। तो गाइस, फ्रंट बेल्ट करने के बाद अब हम करते हैं रियर बेल्ट की एक्सरसाइज। तो रियर डेल्ट की एक्सरसाइज भी हम लोग एक्चुअली क्या है, शोल्डर्स में जो एक्सरसाइज है ना वो बहुत सारी एक्सरसाइज है और शोल्डर्स में अल्टरनेटिव्स भी बहुत सारे हैं एक्सरसाइज करने के। जैसे रियर डेल्ट की एक्सरसाइज के लिए आपको एक मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं और आप डंबल के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपकी जिम में मशीन नहीं है तो ऑब्वियसली आप डंबल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यही एक अच्छी चीज मुझे लगी शोल्डर की, कि एक्सरसाइज हम डंबल से भी कर सकते हैं और मशीन से भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको मशीन से करके दिखाता हूँ। इसको हम बिल्कुल लास्ट वाले होल में लगा लेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी रियर डेल्ट की थी। इसमें भी आपको 3 ही सेट्स लेने हैं और रिपीटेशन आपको कोई 14-16 जो भी आपको इजीली लग जाए और आपको फील होने लगे यहाँ पे हल्का सा प्रेशर की, हाँ ये ट्रेन हो रहा है मेरा। तो इसके बाद हम लोग तीसरी एक्सरसाइज लेंगे, थर्ड एक्सरसाइज, वो हम लोग लेंगे लेटरल डेल्ट की। लेटरल डेल्ट की एक्सरसाइज भी बहुत होती हैं और ये भी डंबल के थ्रू और मशीन के थ्रू हो जाती हैं, बट मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगा वो भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है डंबल के थ्रू। तो दिखाता हूँ आपको। इसमें आप डंबल ऐसा नहीं है कि आप डंबल बहुत हैवी लेंगे, आप लोग लाइट वेट से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं और ज्यादातर लाइट वेट से ही होती है क्योंकि इसमें पोस्चर सही आना बहुत जरूरी होता है। ये एक्सरसाइज देखिए किस तरह से होती है। Yeah.
बिगनर्स के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो वेट है वो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। आपको 14 रिपीटेशन लगाने हैं और 3 सेट्स लगाने हैं। तो दोस्तों आज हमने शोल्डर की बेस्ट 3 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग अपने शोल्डर करेंगे तो आपको बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।